يرفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر وجدي الله أكبر يا موطني وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر وجدي الله أكبر يا موطني आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हिंदू अल्ताफ मलिक। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। आज मेरा सुखरी मौजूद अरबी शहजादे हैं जिनके बारे में आपकी मालूमात भी बहुत जबरदस्त है और बड़ी दिलचस्पी से आप लोग अरबी शहजादों के बारे में पढ़ते रहते हैं कि कौन से मुल्क में उनके लिए स्पेशल परफ्यूम बनते हैं, कौन से मुल्क में जाके ये कश्तियां खरीदते हैं और कौन से जजीरे पर ये अयाशी करते हैं। हमेशा ये खबरें में रहे हैं बेपनाह दौलत ने उनके दिमाग खराब कर दिए थे। और अब आप देखिए जब भी कोई शहजादा वहां पढ़ने जाता था अमेरिका या बरतानिया तो उसको वो कहते हैं कि ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती थी। बल्कि जो यूरोपीय ममालिक थे तो वो तो खुशकिस्मती मानते थे कि कोई अरबी शहजादा हमारे पास नई दुकान में या हमारे ब्रांड पे आए तो हम उसको ये महंगी से महंगी अशिया बेच सके। मैं आज आप जिस शहजादे की आपको कहानी सुना रहा हूं वो सऊदी अरब के वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, इन्होंने टोटल तालीम रियासी हासिल की है और जो वकालत की डिग्री है वो भी उन्होंने सऊदी अरब से ही हासिल की है। ये बहुत नौजवान है जो 38 साल की उम्र में सऊदी अरब की आबादी का हर दिल अजीज हुक्मरान बन गया है। वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसने एक ही शादी की है, इसकी माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। 6 अप्रैल 2008 में इसकी शादी हुई थी। ये शाही खानदान की सारा मसूद से इनकी शादी हुई है। इसी इसके 5 बच्चे हैं, 3 शहजादी हैं, 2 शहजादे हैं। ये 2007 में बकायदा एक शाही फरमान के तहत काबीना में शामिल किया जाता है। फिर ये मुख्तलिफ उर्दू से होते हुए जिनमें वजीर दिफा भी रहे, ये वजीर मुमलकत भी रहे और आजकल सऊदी अरब के 27 सितंबर 2022 को इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ये वो शहजादा है जिसके बारे में आप नहीं कह सकते कि ये अयाश शहजादा है, जिसने बहुत पैसा जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ और आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये अयाश शहजादा है। इन्होंने अभी तक, मैं ये नहीं कहता कि सऊदी अरब में, तो खैर एक रूटीन है, आदत है कि जो भी सऊदी लोग हैं वो बहुत ज्यादा शादियां करते हैं, मगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अभी तक एक ही शादी की है और उनकी 5 बच्चे ही रियाज में रहायश रखी हुई है। इस बंदे का सऊदी अरब की आबादी नई जनरेशन जो है उसमें कितनी पॉपुलर हो गया। आइए मैं ये आपको आज बताने का मकसद ये है कि सऊदी अरब सन 2030 तक, फिर सुन लीजिए, 2030 तक दुबई, यूरोप, अमेरिका इन सबको पीछे छोड़ देगा, तरक्की लिए इन सबको पीछे छोड़ देगा और जो वीएम सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान लाए हैं ये अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं वीएम 2030 को,
ये 43.50 अरब डॉलर से सऊदी अरब की आमदनी बढ़ा के 200 से 267 अरब डॉलर तक एनुअल ले जाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत जदीद तरीके अपनाए हैं, बहुत जबरदस्त। आपने सुना होगा कि जब ये शहजादी को अख्तियारात मिले पहले, तो इन्होंने ये सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने जो पुरानी रवायात थी सऊदी अरब की उनको तोड़ने की कोशिश की वहां पे, क्योंकि इस्लामी रवायात बहुत मजबूत है और अल्लाह करे वही। इसने इस्लामी रवायात में रहते हुए इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो सऊदी अरब की मईशत को नुकसान पहुंचा सके, सऊदी अरब इस्लाम को नुकसान पहुंचा सके। आप देखिए कि इस बंदे ने यह किया कि बहुत सारे शहजादों को आपको याद होगा कि 17-18 में उसने गिरफ्तार करा लिया था। वजह यह थी कि वो जो थे कंट्रैक्ट सऊदी गवर्नमेंट से लेते थे उसमें बे इंतहा की करप्शन हो रही थी, और इसने तकरीबन काफी सारे शहजादों को जेल में नहीं डाला, इसने नजर बंद कर दिया था, उनसे मामला तय किए, उनसे जो पैसे थे वो वापस लिए। उसने सऊदी अरब के बड़े बड़े नाम शामिल थे, यानी सऊदी का जो बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है उसका सरबरा भी इसने गिरफ्तार कर लिया था, उनसे मामला तय किए। फिर इसने जो तरक्याती बजट सऊदी अरब का आता था उसने पुराने सीधा तरीकों को खत्म करके कंप्यूटर लाया और उस तरीकेकार को इसने चेंज कर दिया। यानी इसका जहन यह था कि मैं सऊदी अरब को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ ले जाऊंगा, और खुदा न खासा कोई गैर जरूरी रुकावट ना आई तो 2030 में सऊदी अरब दुनिया में सबसे आगे होगा। यानी इनके पास वसाइल भी थे मगर उसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। वही बात है ना कि लीबिया के जो सैफ इस्लाम है कदाफी के बेटे थे, वो लंदन में या किसी भी यूरोपियन में घूम रहे थे, उनको एक मकान पसंद आ गया, तो उन्होंने वही बैठे बैठे चेक करके मामला तय किए और इसी वक्त उस बंदे के हवाले किया कि वहां ये मकान मेरा। कोई सऊदी शहजादा जाता है वो वहां कश्ती लेता है, जजीरे पे चले जाते हैं, बेतहाशा पैसा सऊदियों का या अरबों का या दुबई वालों का ये खर्च होता रहा। सबसे पहले ये सोच दुबई वालों को आई, दुबई वालों ने अपने खर्चे 85 से उन्होंने दुबई की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, आज दुनिया का हब बन चुका है दुबई। यही देखते हुए सऊदी शहजादे ने भी सोचा कि मैं जो इनके सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आपको याद होगा कि सहाफी जो तुर्की में कत्ल हो गया था, उसे फंसाने के लिए इसे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया गया। अल्लाह का करम है कि वो उससे भी निकल आया। फिर इस शहजादे ने यह किया कि अपने मुल्क में जो पेमेंट का तरीकेकार था, जो फसूदा तरीकेकार चल रहा था, उसे खत्म किया। इसलिए हमने जवानों के लिए स्पेशली खवातीन के लिए बहुत सारे मुराद का ऐलान किया, जिनमें ये उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। उनको गैर ममालिक में पहले यह था कि महरम के बगैर नहीं जा सकती थी, इसलिए एजुकेशन के लिए तमाम सऊदी तलबा को बाहर भेजने, वो यहाँ पर सऊदी अरब में भी उन्होंने उसको मॉडर्न कर दिया है, यहाँ एजुकेशन लेना चाहे लेने, बाहर पढ़ना चाहे लेने, उनको स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप सऊदी का कोई भी बच्चा सऊदी अरब में हो या सऊदी अरब से बाहर एजुकेशन ले, उसको स्कॉलरशिप देते हैं। प्राइमरी से लेकर छोटे बच्चों को ये बाकायदा स्कॉलरशिप देते हैं, उनकी एजुकेशन पे उन्होंने अब तवज्जो दिया। चंद साल पहले तक जब हम सऊदी अरब का उम्रे पे गए थे तो मुझे याद है वहां पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, ना सिवाय सऊदी अरब मदीने की, जहां इन्होंने बेतहाशा पैसा खर्च किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इज़राइलियों आते हैं, जो हजूर से मोहब्बत करने वाले आते हैं, अल्लाह के घर के मेहमान आते हैं, ये अपने आप को खादिम हरमैन शरीफ कहलाते हैं। इन्होंने जो अब 2030 का बिलियन है उसके लिए हरम पाक के लिए और मस्जिद नबवी के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने दिए हैं,
उसमें बेतहाशा पैसा रखा है। सऊदी गवर्नमेंट ने जो 230 बिलियन ये शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब को दिया है, उसमें उन्होंने तकरीबन 80 प्रोजेक्ट बड़े छोटे रखे हैं, जिसमें आप अगर अभी आपका तभी जाना हो तो सऊदी अरब का जो पुराना शहर है वो तकरीबन सारा गिरा दिया गया है, रियाज का पुराना शहर तकरीबन सारा गिरा दिया गया है, और वहाँ पे नई बिल्डिंग्स, नए एयरपोर्ट और बहुत सारी यानी खेलों के सऊदी गवर्नमेंट के लोगों के खेलों के मैदान बनाए जा रहे हैं। सऊदी शहजादे ने ये काम किया है कि यहाँ बुनियाद पर सी बहुत ज्यादा थी, यानी शिया सुन्नी और मुस्लिम ममालिक, जैसे इनकी यमन से बकायदा लड़ाई चल रही थी, शाम से ये इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इराक से अच्छे नहीं थे, ईरान से तकरीबन नहीं जाते थे, और कतर पर भी उन्होंने बाहर निकाला हुआ था, ये उससे भी ये चाह रहे थे। 41 ममालिक की इसने फौज बना ली है। अब इसने ये सोचा है कि लड़ाई से कुछ नहीं होना, क्योंकि जदीद हथियार या जिसके पास जदीद हथियार नहीं होगी वो इस वक्त लड़ने के काबिल नहीं है। जो भी ममालिक या अमेरिका तो ये चाहता है कि यह सिर्फ लेते रहे और इसी काम में लगे रहे। मगर शहजादे ने फहम फरासत से, आपने पिछले खबर में सुना होगा कि शहजादे ने यमन, शाम, इराक, ईरान और कतर के साथ अपने मामला बेहतर कर लिए और वहां सफारत खाने छोड़ दिए हैं। वो नहीं चाहता कि हम लोगों की लड़ाई या जो मजहबी लड़ाई हम आपस में मुसलमान ममालिक लड़ते रहे। मुसलमान अलहमदुल्ला इस मामले की सोच ने सऊदी अरब को भी बदल दिया है, सऊदी अरब के लोगों को भी बदल दिया है। अब इसने खवातीन को बहुत ज्यादा आजादी दे दी है, सहमा खोल दिए हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सऊदी अरब में सहमा खुलनी चाहिए, उन्होंने मक्का और मदीना दोनों जगह पे सहमा या कोई भी इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करवाने की नुमानियत कर दी है। सऊदी अरब में आपको पता है पहले वहां पे क्या था, पहले ये था कि हर घर में वीसीआर था, डिश लगी हुई थी, प्रोग्राम तो वो देखते थे, फिल्में भी देखते थे। तो अब उसने थोड़ा सा ये किया है कि ये जो काम चोरी छुपे लोग छुप के करते हैं, ये उसने थोड़ी सी ये किया है कि सऊदी अरब को भी इंटरटेन होना चाहिए। अब एक ये 230 का जो मियन है, इसने रेलवे सऊदी अरब की ये जद्दा से लेके मक्का और मदीने तक के रेलवे ट्रैक बिछा दिया और इसमें बहुत तेज रफ्तार ट्रेन चला दी है। आप ये देखिए कि सऊदी अरब इतना एडवांस हो गया कि आप उनकी टिकट लेने के लिए लाइन में नहीं खड़े होंगे, वेबसाइट से आप टिकट लें। अगर आपने बैंक में खाता खुलवाना है आप ATM पे जाए, वहां जाके आप खाता खोल लें। ये अब वो पुराना सऊदी अरब नहीं रहा। सऊदी अरब मैंने आपको बताया ना कि 2030 में वो सऊदी अरब होगा जहाँ लोग जैसे आप दुबई आते हैं सऊदी अरब को देखने आएंगे। एक मेन सिटी का इफ्तिताह किया है या उसकी भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और उसकी हैरान को मालूमात है। ये जो मैं अपनी अगली वीडियो आएगी मेन सिटी के बारे में और इसके 2030 के बारे में, मैं अब छोटे इतने छोटे तो नहीं बहरहाल और 10 बड़े प्रोजेक्ट पे एक एक प्रोजेक्ट पे मैं प्रोग्राम करके आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो एजुकेशन हासिल की थी वो सऊदी अरब से की थी, उसने सऊदी अरब को उठाने का प्रोग्राम बना लिया है। वो इसकी आमद जो है 43 अरब 50 अरब डॉलर से लेके 260 अरब डॉलर तक ले जाना चाहता है। और उसकी यूनिवर्सिटियां उसने बहुत सारी बना दी है, चाहता है असला ले रहा है। वो इतनी ये नहीं कर रहा कि उसने असला छोड़ दिया हो, उसने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जदीद तरीन असला ले लिया है, मुस्लिम ममालिक का इस मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया है, उनकी फौज बनाई है ताकि मिलजुल कर हम लोग चल सके। वो जहां सऊदी अरब अपनी लड़ाइयां कर रहा था उसने खत्म कर दिया, उसे सुलह कर ली है और यही हम चाहते थे। मोहम्मद बिन सलमान जिंदाबाद। मैं अगली वीडियो जो मेरी आएगी इसकी जो बिलन है 230 मेन सिटी के बारे में भी है, जद्दा के बारे में भी है और रियाज से है, उसकी बहुत सारे ममालिक बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ये तकरीबन 80 प्रोजेक्ट है जो इसमें चलाए हुए हैं और ये 230 तक मुकम्मल हो गए हैं। और जब ये मेन सिटी बन गया, जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, ये जद्दा एयरपोर्ट भी, रियाज एयरपोर्ट भी, इसको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है, बहुत बड़ा
एयरपोर्ट करके बनाई जा रही है, उसमें जदीद तरीन सड़कें बनाई जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में हम भी आप भी सब अल्लाह ताला हमें जदीद सऊदी अरब को देखने की तौफीक अता फरमाए। और जाते जाते मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कर दें और दुआ करें मोहम्मद बिन सलमान के लिए, सऊदी अरब के लिए। मैं आप और स्पेशली मैं आपको गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भी जिन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा, देखिए वो शहजादा है, वो बहुत ज्यादा जिनके बारे में मशहूर था कि वो जनाब ऐशी करते हैं, ये करते हैं, उसने न सिर्फ अपनी कौम बल्कि अपने मुल्क के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। और उसका दावा है कि 2030 में सऊदी अरब, यूरोप, दुबई, अमेरिका इनसे आगे जा चुका होगा। अल्लाह आपका हम मुनासिब हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू अल्लाह।